Hello students, in this video we will be studying the 10th chapter of your class 5th syllabus, that is the spider and the fly. It is not merely a chapter, it is a play. Okay, ye ek natak hai. And let us do this and study this. See, the first warm up is given here, as we all do it first. What are these things? What are they used for? So the first is the net, and it is used for catching, I think, the butterflies and the insects. Okay, the second is, I think, the it is a oven, I think. Yes, it is somewhat like that. And the third is, it is also a container, I think. It is a mouse catcher. Would please do write the answers and tell me of this, and we will discuss it. Okay, let us see what is given in the play. Characters in the play. So there are three characters here. The first is the Spidey, second is Flip, and third is narrator. Okay, so the first Spidey is a spider here, makdi hai. Flip yahan par ek fly hai, makhi hai. And the narrator, jisne story ko narrate kiya hai, bula hai. See, the first lines, which are slanting a little bit, they are of a different writing. These are all written by the narrator or spoken by the narrator. Okay, the Spidey the spider has laid out a beautiful web and is eagerly waiting for Flip the fly to enter his webby parlor. Okay, तो स्पाइडर यहाँ पर है और फिर स्पाइडर ने एक बहुत सुंदर सा जाल बनाया है और वो किस चीज़ के लिए ईगरली वेट कर रहा है? एक फ्लिप है, फ्लाई है, वो अंदर आए उसके पार्लर के अंदर, ठीक है, उसके घर के अंदर आए, उसके वेब में आए, तो वो इस चीज़ के लिए वेट कर रहा है. आप समझ सकते हैं एक स्पाइडर क्यों वेट करता है, ताकि वो उसे खा सके. लेट अस सी. Flip is hovering around, undecided if she should enter or not. तो जो फ्लिप रहती है वो आसपास इधर उधर मंडराती रहती है, वो कन्फ्यूज़ रहती है कि उसे अंदर जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. देखते हैं इन दोनों के बीच में बात क्या होती है. स्पाइडी, विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, इट इज़ द प्रिटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट यू एवर सॉ. कहता है, क्या तुम मेरे घर के अंदर आओगी? ये तो सबसे सुंदर पार्लर है, सबसे सुंदर घर है, जैसा तुमने कभी नहीं देखा होगा. The way into my parlor is up a winding stair. और मेरे जो घर है उसके ऊपर, मतलब उसमें अंदर जाने के लिए सबसे पहले सीढ़ियाँ हैं. I have many curious things to show when you get there. और मेरे पास तुम्हें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ अपने घर में. Let us see Flip क्या कहती है. Oh no no, to ask me is in vain. For he who goes up your winding stair can never come down again. ये कहती है, अरे नहीं नहीं, to ask me is in vain, मुझसे पूछना फालतू है. For he who goes up your winding stair, कोई भी जो आपके winding stair के ऊपर जाता है वो कभी भी नीचे वापस नहीं आता है. फ्लिप को पता रहता है कि मक्खी जो रहता है, मकड़ी रहती है, उसकी intentions क्या रहती हैं, तभी वो ऐसे बातें करती है. तो अब देखते हैं क्या होता है. स्पाइडी, आई एम श्योर यू मस्ट बी टायर्ड डियर. देख रहे हैं वो किस तरीके से बात कर रहा है. तो ये कह रहा है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा थकी होगी. विथ सोरिंग अप सो हाई, और तुम इतने ऊँचे ऊँचे उड़ती हो तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा थक गई होगी. रेस्ट योर टायर्ड लिटिल हेड अपॉन माई सिल्क इन बेड एंड क्लोज योर लिटिल आई. तो ये कहता है कि अपने छोटे से सर को रेस्ट दो और मेरे सिल्किन, जो सिल्क का बना हुआ, मखमल का बना हुआ बेड है, उस पर आओ और सो, और अपने छोटे छोटे आँख बंद कर लो, आराम करो. देर आर प्रिटी कर्टन्स ड्रॉन अराउंड, और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पर्दे हैं. एंड शीट्स आर फाइन एंड थिन, और जो बेड पर जो शीट बिछी है वो बहुत ही फाइन है, बहुत अच्छी है, और बहुत ही थिन है, बहुत पतली है. कम डियर, कम नाउ, डू रेस्ट अ वाइल एंड आई विल स्नगली टक यू इन. सो फिर कहता है कि आओ प्यारी, थोड़ी देर रेस्ट कर लो. एंड आई विल स्नगली टक यू इन, और फिर ये जो लिखा हुआ है वर्ड सेंटेंस यहाँ पर, आई विल स्नगली टक यू इन, इसका मतलब है मैं तुम्हें धीरे से खा जाऊँगा. तो ये जो सेंटेंस है इसने धीरे से बोला है, ठीक है, इसने बोला ही नहीं है, इसने उसको सुनाई नहीं दिया होगा, ठीक है. फ्लिप, ओ नो नो, फॉर ऑफन हैव आई हर्ड इट सेड.
फ्लिप फिर से फ्लिप कहती है कि अरे नहीं नहीं मैंने बहुत बार इस चीज़ को सुना है, दे नेवर नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड, वो कभी भी और कभी नहीं उठते हैं जो आपके बेड पर सोते हैं। फिर स्पाइडी कहता है ओ माई डियर फ्रेंड वॉट कैन आई डू टू प्रूव द वॉर्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू। फिर ये कहता है कि अरे मेरे प्यारे दोस्त मैं क्या करूं कि तुम्हें पता लगे कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा लगाव रखता हूँ। आई हैव विद इन माई पैंट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस, मेरे अंदर जो मेरे पास खाने का सामान है वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यू नो यू आर वेरी वेलकम, कम प्लीज़ जस्ट टेक अ स्लाइस, प्लीज़ तुम्हारा बहुत स्वागत है, प्लीज़ एक स्लाइस आकर उसे खाओ। फिर से फ्लिप कहती है ओ नो नो काइंड सर दैट कैन नॉट बी। फिर ये कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ये नहीं हो सकता। आई हैव हर्ड व्हाट्स इन योर पैंट्री, मैंने सुना है कि आपकी पैंट्री में क्या है, एंड आई डोंट विश टू सी, और मैं नहीं चाहती उसे देखना। फिर स्पाइडी और कहता है देखिए ओ स्वीट क्रीचर यू आर विटी एंड यू आर वाइज। फिर ये कहता है कि अरे कितनी प्यारी हो तुम और तुम कितनी अच्छी हो और आई थिंक वाइज है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विटी, यू आर क्लेवर एंड फनी, बहुत ही तुम चालाक हो और वाइज हो बुद्धिमान हो। हाउ ब्यूटिफुल आर योर गौजी विंग्स, तुम्हारे जो पंख हैं वो कितने ज़्यादा सुंदर हैं, गौजी वेरी थिन एंड लाइट, जो पतले और बहुत ही हल्के जो पंख हैं कितने ज़्यादा सुंदर हैं, गौजी का मतलब था। हाउ ब्रिलियंट आर योर आइज, तुम्हारे आइज़ कितने अच्छे हैं। आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ, और मेरे घर में जो मेरा बेड है वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ग्लास है जिसे आप शीशा कहते हैं, मिरर कहते हैं, और फिर उसमें तुम अपना चेहरा भी देख सकती हो। इफ़ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर यू शैल बिहोल्ड योर सेल्फ, एंड अगर तुम एक मोमेंट भी वहाँ पर आती हो तो फिर तुम अपने आप को वहाँ पर देख सकती हो। देन सी द व्हाट फ्लिप सेज, आई थैंक यू जेंटल सर फॉर व्हाट यू आर प्लीज्ड टू से एंड विशिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, I'll call another day. So, see the sentence of flip here. It is a little polite one. Yes. आपने पहले के sentences देखे थे flip के, पर ये वाला sentence जो flip ने कहा है बहुत ही polite है. So, फिर यहाँ पर flip thank you कहती है. I thank you gentle sir for what you are pleased to say. फिर जो आपने बातें कही हैं उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ. अभी मैं जा रही हूँ, मैं कल आती हूँ. सो आपने देखा कि जो फ्लिप रहती है वो इम्प्रेस हो जाती है, जो कुछ स्पाइडी कहता है वो उससे इम्प्रेस हो जाती है, एंड जो इसे करना रहता है, जो इसे पता रहता है कि वहाँ पर ख़तरा है, तो ये सब कुछ भूल जाती है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। नरेटर, द स्पाइडर टर्नड राउंड अबाउट एंड वेंट टू हिज टेन। अब नरेटर क्या कहता है, देखिए जो स्पाइडर रहता है वो घूमता है और अपने डेन में वापस जाता है। He knew quite well that the silly fly would soon come back again. और स्पाइडर को पता रहता है कि ये जो फ्लाई है ये वापस ज़रूर आएगी। Oh silly silly fly, what could you possibly gain? फिर ये जो सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं फ्लाई के लिए लिखे हैं कि सिली का मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा सा पागल टाइप, ठीक है, थोड़ा लापरवाह टाइप, ठीक है। तो फिर ये फ्लाई के लिए कहता है What could you possibly gain? तुम्हें क्या मिलेगा by flying into dangerous way all over again? तुम्हें क्या मिलेगा जो अगर तुम इस खतरे वाले रास्ते पर आओगी फिर से? The spider quickly wove a subtle web in a little corner's lie. फिर वो स्पाइडर जो रहता है वो वेब बुनता है अपने घर के साइड में, और and set his table ready to dine upon the fly. फिर वो अपने टेबल को रेडी करता है ताकि वो उस मक्खी को खा सके। Then out he came to his door again and merrily did he sing. फिर वो जब वापस आता है अपने डोर पर और वो गाना गाता रहता है क्योंकि वो बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि फ्लाई उसके फंदे में फंस चुकी है। For he just wanted to get hold of that thing with gauzy wings. क्योंकि वो सिर्फ इतना चाहता था कि वो जो gauzy wings से जो वो चीज़ है, वो जो फ्लाई है, वो उसके होल्ड में आ जाए, वो उसके पकड़ में आ जाए।
स्पाइडी, स्पाइडी क्या कहता है फिर से, नेक्स्ट दिन, कम हेयर प्रिटी फ्लाई विद द पर्ल एंड सिल्वर विंग, इधर आओ खूबसूरत फ्लाई, प्यारी फ्लाई जिसके पंख मोती और चांदी के जैसे हैं, कम लिसन टू प्रिटी सॉन्ग दैट आई हैव दैट आई फॉर यू डू सिंग, आओ और सुनो जो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुंदर सा सॉन्ग है, योर रोप्स आर ग्रीन एंड पर्पल, तुम्हारे जो रोप्स हैं वो ग्रीन और पर्पल कलर के हैं, देयर इज अ क्राउन अपॉन योर हेड, तुम्हारे सर पर एक मुकुट भी है, योर आईज आर लाइक डायमंड ब्राइट, और तुम्हारे आईज जो हैं वो बिल्कुल डायमंड की तरह है, बट माइन ओ दे आर एज डल एज लेड, पर मेरे मेरे तो एकदम लेड की तरह, लेड आप जानते हैं जो पेंसिल्स में लगता है, ठीक है, ब्लैक कलर का, वो कहता है कि मेरे आँख तो उसी की तरह हैं। फ्लिप कहती है, ओ माय यू डू से द लवलीस्ट थिंग्स, आई विल कम इन बाय एंड बाय। सो फिर यहाँ पर वो कहती है कि तुम तो सबसे प्यारी प्यारी चीज़ें बातें करते हो, मैं अंदर आती हूँ और मैं आई विल नॉट हर्ट योर फीलिंग्स बाय थिंकिंग टू बी यू टू बी अ स्लाय। सो फिर ये कहती है कि मैं तुम्हारे फीलिंग्स को हर्ट नहीं करूँगी, लेट अस सी व्हाट इज़ गिवन स्लाय, बिहेविंग डिसऑनेस्टली टू फूल समवन। सो स्लाई का मतलब है उस तरह से बर्ताव करना, किसी को बुद्धू बनाना, ठीक है। सो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। फिर स्पाइडी कहता है, कम डियर वन विद ब्रिलियंट आइज, आओ प्यारी जिसकी आँखें बहुत सुंदर हैं और पर्पल और ग्रीन हैं, योर क्राउंड हेड एंड गॉजी विंग्स, देयर इज नो वन प्रिटी एज यू। तो ये आप अब देख सकते हैं कब से इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है फ्लाई के बारे में, फिर से कह रहा है कि तुम्हारे सर पे क्राउन है एंड तुम्हारे विंग्स बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, देख सकते हैं आप। फिर नरेटर क्या कहता है, देखिए, अलास अलास हाउ वेरी सून द सिली लिटिल फ्लाई हियरिंग द फ्लैटरिंग वर्ड्स केम स्लोली फिटिंग बाय। फिर क्या होता है, जो छोटी सी लिटिल फ्लाई रहती है वो इतने फ्लैटरिंग वर्ड्स सुनकर, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स सुनकर वो अंदर आ जाती है, विद बजिंग विंग्स शी फ्लू अराउंड नियरर ड्रू एट लास्ट। फिर वो अपने विंग्स से उड़ उड़ कर अंदर जाती है, अंदर जाती है, अंदर जाती है, अप जम्प्ड द कनिंग स्पाइडर एंड फियर्सली हेल्ड हर फास्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, स्पाइडर आता है और फिर उसे बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ लेता है, ही ड्रैग्ड हर अप हिज वाइंडिंग स्टेयर इन टू हिज डिसमल डेन। फिर वो उसे घसीट के ले जाता है अपने अंदर घर में, वाइंडिंग स्टेयर्स पे घसीट के ले जाता है, फिर वो अपने डेन में रखता है उसको। लेट सी द मीनिंग ऑफ डिसमल, कॉजिंग सैडनेस, ओके, और अपने बहुत ही उदासी वाले जगह पर, बहुत ही ख़तरनाक जगह पर डेन में ले जाता है वो उसे, एंड शी नेवर एवर केम आउट अगेन, और फिर वो उसके बाद से कभी भी वापस नहीं आती है। एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रेन हु मे रीड दिस स्टोरी, फिर वो हमसे कह रहा है जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टोरी, और प्यारे बच्चों जो जो स्टोरी को पढ़ रहे हो, टू आइडल सिली फ्लैटरिंग वर्ड्स टेक केयर टू नेवर पे हीड। फिर ये कह रहा है कि ये जो आइडल और सिली और फ्लैटरिंग वर्ड्स जो रहते हैं ना, जो बहुत ही बड़े चढ़े जो वर्ड्स रहते हैं सुंदरता के और बहुत ही प्यारे प्यारे जो वर्ड्स रहते हैं, इनके फंदे में कभी नहीं फंसना। अगर तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके से कर रहा है तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तो तुम इस चीज़ से चौकन्ना रहना और कभी भी इसके झांसे में मत आना। टू एन ईविल काउंसलर क्लोज योर हार्ट्स एंड ईयर एंड आई, कोई भी एक ऐसा इंसान जो बुरा है वो कुछ भी कहे तो तुम उसकी मत सुनना, अपने दिल को बंद करना, अपने कान को और अपनी आँखों को उसके लिए बंद कर देना। एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस टेल ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई, और इस चैप्टर से, इस प्ले से सीख लो इस चीज़ को कि कभी भी ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत ही उड़ उड़ के जो वर्ड्स होते हैं तारीफ़ के, इन पे कभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना। पे हीड का मतलब है टू लिसन, ज़्यादा मत सुनना इसको, ठीक है। सो यू नो इट इज़ ऑल्सो सेड दैट एक ऐसा इंसान या कोई ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा ही बोलता है अच्छी चीज़ें और कभी आपको आपकी गलती नहीं बताता या आपको कुछ ऐसा नहीं बोलता जो आपको सुधार का हो, तो वो सब कुछ गलत है, ठीक है। आप ऐसे लोगों से दूर रहें जिसके इंटेंशंस गलत हो,
और वो इस तरीके के हों जैसा कि ये था स्पाइडर. ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर इट एंड आप उन्हीं की सुनिए, उन्हीं की मानिए जो आपके बड़े हैं. ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल द पेरेंट्स कम. आपको पेरेंट्स की अपनी सबसे ज़्यादा सुननी चाहिए बिकॉज दे लव यू एट द फर्स्ट स्टेज. ओके, दे बीट यू एंड दे डू ऑल थिंग्स फॉर यू बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स एंड यू ऑलवेज हैव टू लिसन टू देम, नॉट टू अदर पर्सन्स हु कम एंड गो इन योर लाइफ्स. ओके, दिस इज़ द लेसन यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. आई होप यू लाइक दिस प्ले एंड लर्न वेरी मच फ्रॉम इट. The exercises and the question answer students, you will get the PDF form of there and you will complete it from there. And again, if you have any doubt in this play, you are free to ask me. This was all about this chapter. And if you have any doubt, you are free to ask students in your doubt clearing classes. We will continue in the next video. Thank you for watching it. Hope you have a nice day.